हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हैं हम तेरी कसम। स्वागत है आपको अमृत सरी आर के में। नमस्ते सभी को। क्या 2020 की बात है, आपने मुझे पता है वीडियो क्यों क्लिक की, पर उससे पहले मैं कुछ आपको कैट 2020 के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन इतनी भी बेसिक नहीं है, मतलब अब मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये चीज़ पता है या नहीं। तो कैट का जो 2020 का रिजल्ट था वो 4 बजे 2 जनवरी 2021 को आया था, एंड ऑब्वियसली कैट की वेबसाइट में था। अब मैं बताने वाला हूँ कि इनमें से जो टोटल जितने भी अराउंड टोटल फीमेल कैंडिडेट्स थी वो थी 66,755, मेल कैंडिडेट्स थे 1,23,000। सो अप्रोक्सीमेशन में जाएँ एंड एक ट्रांसजेंडर कैंडिडेट था, सो अप्रोक्सीमेशन में जाएँ तो 20 और 60 180, तो 1,90,000 लोगों ने इस बार कैट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 9 कैंडिडेट्स ने 100% स्कोर की थी, 100%। ओके एंड ये प्रेस रिलीज है, मीडिया प्रेस रिलीज है, एंड जिसमें से वो सौ वो जो जितने भी 9 के 9 कैंडिडेट्स थे वो सारे मेल थे। अब मैं बात करता हूँ, 7 out of 9 कैंडिडेट्स रिसीविंग द हाईएस्ट ओवरऑल परसेंटाइल आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, वन इज फ्रॉम मैथमेटिकल एंड वन इज फ्रॉम मैनेजमेंट बैकग्राउंड। और वो कहाँ कहाँ से थे, 5 तो IIT से थे, ठीक है जी, और जो बाकी 4 थे वो ऑलरेडी जो MBA कर रहे थे, वो एक IIM इंदौर से कर रहा था, एक बिट्स प्लानिंग से, एक थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, एक YMCA इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से कर रहे थे। एंड ऑफ द स्कोरिंग जिन लोगों ने 100% की है उसमें से 3 राजस्थान में से थे एंड बाकी 6 थे दिल्ली हरियाणा महाराष्ट्र और पंजाब तेलंगाना और यूपी से। 19 कैंडिडेट्स ने 99.99% स्कोर किया है कैन 2020 में, जिसमें से 18 मेल थे एंड 1 फीमेल थी। हैट्स ऑफ टू दैट फीमेल कि वैसे तो फीमेल ज़्यादा पढ़ने लिखी लिखने वाली होती है, पर क्योंकि रेशो भी तो देखो ना, क्योंकि लड़के 1,26,000 थे और फीमेल 66,000 थे, सो अप्रोक्सीमेटली हम बोले तो 2:1 का रेशो था कि 2 लड़के पीछे 1 लड़की एग्जाम देने जा रही थी। एंड टोटल 1,90,144 कैंडिडेट्स ने दिया था 430 टेस्ट सेंटर्स में। एंड अब धीरे धीरे शॉर्ट लिस्ट आएगी एंड 94 अच्छे इंस्टीट्यूट से नॉन IIM जो कैट का स्कोर नॉन IIM इंस्टीट्यूट से वो जो कैट का स्कोर यूज़ करते हैं। एंड अब मैं आपको बात करता हूँ मेन चीज़ की, देखिए तो मेरी एक दोस्त कह सकते हैं या मेट कह सकते हैं या क्लासमेट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो टाइम मारसाली से जहाँ से मैं पढ़ रहा था उसके बाद एक टाइम के बाद तो वो हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, उससे पहले टाइम मारसाली से ही एक लड़की पढ़ी थी, वो दोस्त कह सकते हैं मर्जी कहने की, उनकी ज़्यादा कोई खास बात नहीं हुई मेरी उससे, रिजल्ट आने से पहले दो या तीन बार बात हुई थी एंड रिजल्ट आने पर मतलब मुझे उसका नाम भी सही से आगे से नहीं पता था, सो वी कैन से मेट। सो शी स्कोर्ड, ये आपको रुको, ये ना मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ देख लीजिए आप उसका स्कोर कार्ड। उसका नाम है अभिलाषा। सो मैं उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन सारी हाइड कर रहा हूँ उसके डिटेल्स में से, एंड अब उसका ऊपर स्कोर कार्ड देख ही रहे हैं उनसे, तो मतलब क्या क्या बात है, मतलब क्या ही बात है, कितना ज़्यादा बढ़िया स्कोर, हम सोचते भी नहीं हैं, ठीक है ना। उसने 50 नंबर LIDI में से ले आई, मतलब मैं तो नहीं सोच पा रहा था, मतलब जिस बंदे के टोटल 52 नंबर आए हैं और उस लड़की के सिर्फ LIDI में से 50 नंबर आए हैं, ठीक है जी। एंड स्केल स्कोर बनी 55.37 एंड शी स्कोर 99.99% इन LIDI। एंड और उसमें उसके वर्बल एबिलिटी के शी स्कोर 99.67% और 44.74 स्केल्ड स्कोर थी, आप देख सकते हैं। एंड पर बात तो ये कि मतलब 47.74, और मतलब हमारे जैसे बंदे LIDI में सोच रहे थे यार 62 हो जाए या 63 हो जाए बात बन जाएगी, और उसने 50 स्कोर किया उसने अप्रोक्सीमेटली, उसने सारे सेट मार दिए उसने। एंड क्वांट उसने मुझे बताया था कि उसका क्वांट एक वीक थोड़ा वीक पार्ट था, एंड स्टिल ये है वीक पार्ट जिसमें 92.52
परसेंटाइल ले आई, एंड ओवरऑल जो स्केल स्कोर बनी उसकी 128.24 एंड ओवरऑल परसेंटाइल इज 99.86। कितनी ऑसम बात है, मतलब ये सी एम ये एंड चीज सी ए एंड शी इज करंटली डूइंग अ जॉब। आप कहीं डालोगे गूगल वूगल पे तो मिल भी जाएगा आपको आर्टिकल। मैं खुद से नहीं मतलब उनकी डिटेल्स बताना चाहता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा था कि इंग्लिश में कितने नंबर आए एक्चुअली में जो स्कोर आती है, मतलब इंग्लिश में 48 आए थे और एलएडीएम 50 आए थे एंड क्वांट जो उसका हल्का सा वीक पार्ट था वो 28 आए, फिर भी 28 आए। मैं बोलता हूँ मेरी क्वांट स्ट्रेंथ है, फिर भी मेरे पास नहीं 17-18 कितने नंबर आए। देख लो भाई ये फ़र्क है उसकी वीकनेस में और हमारे जैसों की स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो मैंने उसको पूछा था कि यार मतलब मुझे कोई टिप्स विप्स दो, तो मैं ये टिप्स आपको आपके साथ ही शेयर करना चाहता हूँ कि अपने कोई ऐसा दोस्त नहीं है कोई खास कि सारे जो टॉपर आ रहे हो या फिर कोई कैट में मतलब टॉप मार रहा हो। उसने बताया था कि इंग्लिश उसकी बचपन से ही तेज थी, सो दैट्स द रीज़न, मतलब जिसका जो सब्जेक्ट बचपन से ही तेज होता है एंड वो वैसे भी उसके मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं तो वो पहले से स्कूल की टॉपर भी रही है, कॉलेज में भी कुछ टॉपर वॉपर रही है, तो मतलब वो पहले से ही पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी एंड उसने इंग्लिश तो मतलब था कि बस वो घट के आएगी मैं बोलना चाहूँगा। तो जो एलआरडीआई की बात है, एलआरडीआई की बात करते हैं, तो उसने कहा कि एलआरडीआई उसकी यूएसपी थी कि मतलब वो जब सेट आता था एलआरडीआई तो उसमें घुस जाती थी और बस टाइम वाइम नहीं देखती थी, मतलब वो बस देखती थी कि सम को किस तरह निकाला जाए फटाफट जितनी कम से कम टाइम में, और वो निकाल भी देती थी। तो मतलब इंग्लिश उसकी पहले से अच्छी थी, एलएलडी उसने मेहनत करके इतनी मेहनत कर करके मतलब उसने उसकी यूएसपी बना ली कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम टेकन आई विल कंप्लीट। और वो ऐसे करती कि मतलब उसने मुझे बताई ये चीज़ कि जितना मर्जी टाइम लग जाए वो अगर कोई लॉजिकल रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस के टाइम पे करने बैठती थी तो चाहे 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे का ज़्यादा देर लग जाए वो बैठ जाती थी कि ये हो कैसे नहीं रहा। तो जब ये जिद होती है ना तो बात बन जाती है। एंड उसने फिर एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान दिया, आप 50 नंबर देख रहे हो एंड मुझे मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब आई एम ABC उसके ऐसे वेट कर रहे होंगे कि मैम आइए प्लीज़ आइए। तो मतलब ओवरऑल कट ऑफ क्लियर है, इंग्लिश उसकी अच्छी है, इंटरव्यू उसके अच्छे चल, GDP आया में क्या मेन होता है इंग्लिश और नॉलेज। सो आई होप क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस में आपको बहुत मतलब आपको नॉलेज प्रोवाइड हो जाती है। एंड उसने एक इंग्लिश के लिए एक सजेशन दिया, मैंने कहा चलो ये भी मैं बता दूँ वीडियो एंड करने से पहले, वो ये था कि आपको इंग्लिश में जब ऑप्शन आप चूज कर रहे होते हैं ना तो हमें अपना आंसर नहीं ढूंढना है, अगर आंसर मत ढूंढिए, आप ढूंढिए एलिमिनेट कीजिए ऑप्शंस को जो आपको लगता है फालतू है। तो 5 जैसे ऑप्शन है आपको नहीं ढूंढना, ये मेरा आंसर नहीं लग रहा ये है, तो आपको क्या करना है कि ये लग रहा है ये दो लग रहे हैं, अब ये देखो कि इन दोनों में से 7 शेयर में देखो अच्छा ये मैच कर रहा है लेकिन ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, वो कहते हैं कि आंसर चूज करने से ज़्यादा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करो कि नहीं लग रहा है हटाओ उसको, नहीं लग रहा हटाओ। तो वैसे करना, ऐसे नहीं कि ये लग रहा आंसर मेरा चलो मार दो, कौन कौन से नहीं लग रहे और कौन से अपने मारने हैं, तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं सही आंसर आने के। और ये अभिलाषा जी ने बताया, ये मेरी खुद की कोई सजेशन नहीं, उन्होंने बताया जिनके 99.86 ओवरऑल परसेंटाइल आई है, सो कुछ तो सही बताया होगा ना। एंड आई होप कि वो उनको जो भी कॉलेज चाहिए उनको मिल जाए। सो यही है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते एंड वीडियो पसंद आई और उनको मेरी तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक, आई होप कि उनको जो भी कॉलेज चाहिए उनको मिल जाए एंड आप सबको भी बेस्ट ऑफ लक। आप जब भी कैट देंगे या जो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।